है चालक के प्रतिरोध की निर्भरता या चालक तार के प्रतिरोध की निर्भरता। ये बड़ा ही बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो है चालक तार का प्रतिरोध किन चीजों पे निर्भर करता है, यानी कुल मिला के प्रतिरोध की निर्भरता आज के वीडियो में जानेंगे। तो प्रतिरोध की निर्भरता, देखिए प्रतिरोध किन चीजों पे निर्भर करता है। सबसे पहली बात करें तार की लंबाई, पहला है तार की लंबाई, तार की लंबाई पे प्रतिरोध निर्भर करता है भाई, तार की लंबाई, इसे यल से जरूर लिख लेते हैं, तार की लंबाई। देखिए जितना बड़ा, जितना ज्यादा लंबा तार होगा, जितना बड़ा जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना उस मार्ग में जो है प्रतिरोध रुकावट डालेगा, उसको जाने में दिक्कत पैदा करेगा। जितना लंबा तार होगा इतना लंबा रहेगा, मतलब इतना छोटा रहेगा तो कम डालेगा, जैसे जैसे तार बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा होता जाएगा। आप खुद से ही सोचिए, जैसे आपको 5 किलोमीटर जाना है, कितना 5 किलोमीटर यदि आप जाएंगे और रास्ते में गड्ढे गुड्ढे पड़ रहे हैं तो आपको ज्यादा, मतलब 5 किलोमीटर में हच्चा तो लगेगा, लेकिन कंपेयर टू 10 किलोमीटर यदि आपको 10 किलोमीटर तक जाना है तो 10 किलोमीटर जब आप जाएंगे तो ज्यादा हच्चे लेंगे, ज्यादा धक्का लगेगा, और 5 किलोमीटर जाएंगे तो आधा लगेगा। 5 किलोमीटर मतलब 10 का आधा हो गया ना, तो 5 किलोमीटर जाने में बहुत कम लगेगा और 10 किलोमीटर जाने में बहुत ज्यादा लगेगा। उसी तरह जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, उतना ज्यादा वो धारा के मार्ग में रुकावट बन के खड़ा रहेगा। तो इसलिए जो है यल, यल यल इसका सिंपल अर्थ है, यल जो है, यल वो जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती है। तो यहाँ सिंपली लिख दीजिए आर जो है प्रतिरोध इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया जितना बड़ा लंबा तार होगा जितना ज्यादा इसकी लंबाई होगी, जितना ज्यादा ये होगा उतना ज्यादा ये होगा। समानुपाती का अर्थ ये होता है कि जितना ये बढ़े उतना ये बढ़े, समानुपाती एक ही अनुपात में दोनों बढ़े, जितना ये बढ़े उतना ये बढ़े। जितना ज्यादा, जितनी ज्यादा लंबाई वाला तार होगा, जितना ज्यादा लंबाई वाला उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। सिंपल तरीका से समझ लीजिए, जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा, इसीलिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, प्रतिरोध जो है लंबाई के, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल आप एग्जाम में साफ साफ लिख देना, जब पूछा जाएगा प्रतिरोध की निर्भरता तो आप पहले हेडिंग बनाएंगे तार की लंबाई, और तार की लंबाई में लिखेंगे कि जो है प्रतिरोध जो है तार की लंबाई के समानुपाती होता है, जितना ज्यादा तार लंबा रहता है उतना ज्यादा प्रतिरोध होता है। अगला बात कर लेते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल को ए से जोड़ करते हैं, ए माने एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। आप जो है तार घर में आप अपने देखे होगी तो उसको आपको क्षेत्रफल होता है, जैसे तार इस तरह का कुछ होता है तो इस तरह का, इसे समझ लीजिए ऐसे कुछ होता है तार, तो ये जो होता है ये, इसे आगे वाला ये गोल गोल कार का, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसे ही कहा जाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए जितना ज्यादा मोटा तार रहेगा, जितना ज्यादा मोटा तार रहेगा उतना कम प्रतिरोध होगा, जितना ज्यादा मोटा तार रहेगा उतना कम प्रतिरोध होगा। यानी इसका सिंपल अर्थ है कि जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जो है आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जितना मोटा तार रहेगा ये, यदि इतना मोटा तार रहेगा इतना मोटा तो जो है प्रतिरोध कम लगेगा, लेकिन कहीं इतना पतला सा तार रहेगा तो उसमें प्रतिरोध ज्यादा रहेगा। तो जितना मोटा तार रहेगा मतलब जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल रहेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, जितना ये ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, मतलब उल्टा है, दोनों का रेशियो उल्टा है, तो इसलिए मैंने एक को उलट दिया, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ए हो गया। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये दो समीकरण मैंने बना दिए, पहला समीकरण तार की लंबाई की वजह से आया, दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की वजह से आया। अब इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो क्या आएगा, इन दोनों को आप मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो आ जाएगा आर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल बाई ए, यही तो आ जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल बाई ए। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दीजिए, इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर रो, ये एक नियतांक आएगा, मैंने बताया था ना जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है, ये नियतांक वाला चिन्ह हटता है तो एक जो है नियतांक आना पड़ता है, जब ये समानुपाती वाला चिन्ह हटता है तो एक नियतांक को आना पड़ता है, तो आर बराबर रो यल बाई ए, आर बराबर रो यल बाई ए,
जहां रो क्या है, एक नियतांक है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ई, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्थान हटता है, जब नियतांक का जो है स्थान हटाओगे तो एक जो है नियतांक लाना पड़ेगा। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को यहाँ रो से डिनोट किया गया है। इसे क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है, कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इसका मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आइए उसको जान लेते हैं। तो इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है बताइए, ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, इसको याद कर लीजिए। इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। कैसे होता है, देखिए लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है बताइए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और इसका नीचे वाले का मात्रक होता है एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर से एक मीटर कैंसिल हो गया, ये नीचे वाला मीटर बचा। अब देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम आपको पता है, और इस मीटर को इधर लाएंगे तो ओम मीटर हो जाएगा। सिंपल मैंने समझा दिया कैसे मात्रक आया। तो इसका जो मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है, आपको सिंपली याद रखना है ओम मीटर इसका मात्रक होता है। ये चीज है, इसको इसी तरह डिनोट भी किया जाता है ओम मीटर, यहाँ डेस लगा देते हैं, ओम मीटर हो गया। तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में मैंने आपको बता दिया। आगे अब हम बात करने वाले हैं जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब उसका जो मतलब फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, याद कर लीजिए ये फैक्ट है। जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर का तंत्र आप देखे होंगे, विद्युत बल्ब के अंदर का जो तंत्र होता है वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। अब क्यों बना होता है, इसकी चीज, इसकी जानकारी आप कमेंट में दे दीजिए कि क्यों बना होता है। ये जो है फैक्ट जो है, साइंस रिलेटेड फैक्ट, आपके जो है टॉपिक रिलेटेड फैक्ट, इनको जानना बेहद जरूरी है। फैक्ट आप तो बहुत देखते होंगे यूट्यूब पे, आजकल फैक्ट के भर भर के चैनल हैं, मोटिवेशन अरविंद रोड़ा सर का है वगैरह वगैरह बहुत चैनल है, लेकिन फैक्ट, रियल फैक्ट जो है आपके चैप्टर से रिलेटेड, इनको आपको जानना बेहद जरूरी है। वैसे फर्जी फैक्ट तो आप बहुत जानते होंगे, लेकिन ये जो काम की चीजें हैं, जो आपके लिए अभी अभी प्रेजेंट टाइम में काम की चीजें, उनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप विद्युत पढ़ रहे हो, इसमें बहुत सारे फैक्ट निकल रहे होंगे, तार के खंभे जो है तार ढीले क्यों हो जाते हैं, ये सारे जो फैक्ट हैं इनको जानना आपको बेहद जरूरी है। और ऐसे बहुत से वीडियो भी यूट्यूब पे हैं, आप उनको देख सकते हो फैक्ट के लिए। तो ये सारी चीजें हैं, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, इसको मैंने पूरा बता दिया। ओके, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ, आगे कुछ कॉन्सेप्ट है उनको आपको सिखा रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आपको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आपको पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट और जानना समझना बहुत जरूरी है। पहला दिया गया है कि दिए गए पदार्थ की यह लंबाई तथा ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का प्रतिरोध 4 ओम है। मतलब कोई एक पदार्थ है, उसका एक तार बनाया गया है यह लंबाई का, और जो तार है उसका क्षेत्रफल ये है, और उसका जो प्रतिरोध निकल के आ रहा है वो 4 ओम आ रहा है। लेकिन इसी पदार्थ की, मतलब पदार्थ वही है, जैसे मान लीजिए पदार्थ के नाम पे ले लेते हैं, जैसे तांबे का मान लीजिए तार है, तो तांबे का ही तार है, एक एल लंबाई का है, क्षेत्रफल ये है, तो उसका जो है प्रतिरोध 4 ओम आ रहा है। लेकिन वही जो तार है, वही जो पदार्थ है, उसका जो है यदि लंबाई एल बटा 2 कर दी जाए और क्षेत्रफल 2a कर दिया जाए, लंबाई पदार्थ वही है, लंबाई एल बटा 2 कर दिया जाए और क्षेत्रफल 2a कर दिया जाए, तो क्या होगा, इसका आपको प्रतिरोध बताना रहेगा क्या होगा। देखिए देखिए पदार्थ सेम है, कहा गया है कि पदार्थ सेम है, पदार्थ सेम है, पदार्थ सेम है, यदि पदार्थ सेम है तो इसका सिंपली एक अर्थ निकल के आ रहा है, वो ये निकल के आ रहा है जो है विशिष्ट प्रतिरोध रो, रो दोनों का सेम है, याद कर लीजिए। जब तक पदार्थ नहीं बदलेगा, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बदलेगा, हर पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध निर्धारित होता है, फिक्स होता है, तो प्रतिरोध जो है विशिष्ट प्रतिरोध फिक्स होता है। तो जो पदार्थ सेम है, पदार्थ वही है, तो जो है रो, रो यानी कि क्या, रो मतलब क्या, रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, रो भी सेम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। अब सिंपली दो दो इक्वेशन बनाना है, बस खलास कर देना है क्वेश्चन, दो इक्वेशन बनेगा बस क्वेश्चन खलास हो जाएगा। आइए इस फटाक से इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दिया गया है कि ये लंबाई है और ये है, इसका जो ओम आ रहा है मतलब प्रतिरोध आ रहा है वो 4 ओम आ रहा है। तो सिंपली पहले लिखना है R, R बराबर 4 ओम, R बराबर कितना है 4 ओम, तो R बराबर क्या हो जाता है, रो L बाई ये, यही तो हो जाता है, लंबाई L है, क्षेत्रफल ये है, तो L बाई ये बराबर 4, पहला इक्वेशन बन गया।
दूसरा कह रहा है कि लंबाई एल बाई टू कर दी जाएगी, लंबाई क्या कर दी जाएगी एल बाई टू, तो सिंपली फिर आर बराबर होता है रो एल बाई ए, लेकिन आपकी लंबाई कितनी कर दी गई एल बाई टू, एल बाई टू आर एल की वजह पे क्या हो जाएगा एल बाई टू, उसके बाद में क्षेत्रफल टू ए हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टू ए हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, उसके बाद में बस सिंपली यहाँ पे लिख देना है आर आर न्यू, यही आपको ज्ञात करना है ना, आर ही ज्ञात करना है आपको। तो ये देखिए अब इसको आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है, मैंने कुछ नहीं किया है। पहला होता है आर बराबर होता है, आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए पहला जो आर है वो चार ओम दिया गया है, तो इसीलिए जो है रो एल बाई ए भी चार हो जाएगा, इस आर की मैंने वैल्यू पुट कर दी रो एल बाई ए, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, मैंने बताया था अभी जस्ट आर बराबर होता है रो एल बाई ए, आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए, भाई समझने का प्रयास कीजिए, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, यल यल का वैल्यू स्वयं यल दिया गया है और ए का वैल्यू ये दिया गया है, यहाँ पे चार पांच से कुछ होता तो उसकी वैल्यू रख देता, लेकिन यहाँ यल और ये दिया गया है तो सिंपली यल ये पुट कर दीजिए और उसका जो वैल्यू आ गया वो चार आ गया, इसी का वैल्यू मैंने पुट किया है इस आर का, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए बराबर चार हो गया। उसके बाद में अब प्रश्न आगे कहता है कि लंबाई एल बाई टू कर दी जाएगी और क्षेत्रफल टू ही कर दिया जाएगा, तो आर बराबर रो एल बाई ए अभी भी सेम है, आर बराबर रो एल बाई ए ही होता है, लेकिन एल की वजह पे यहाँ एल बाई टू हो गया है और ये की वजह पे टू ए कर दिया गया है, बस इतना फर्क है, यहाँ मैंने कर दिया एल बाई टू और नीचे टू ए, इतना कर दिया है बस, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा था, अब इसको सिंपली आगे ले जाइए, क्या कर देना ये रो ऐसे रह जाएगा एल बाई टू, इसका टू नीचे आ जाएगा, इतना मैथमेटिक्स आपको 100% पता होगी, मैथ के स्टूडेंट है, एल बाई टू नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा एल बाई फोर, एल बाई फोर ए, एल बाई फोर ए बराबर आर न्यू, ये हो जाएगा है ना। तो अब सिंपली इसको देखिए 1/4 आप कॉमन कर लीजिए और ये हो गया रो एल बाई ए, रो एल बाई ए बराबर आर न्यू। अब ये कुछ जाना जाना लग रहा है ना, यहाँ देखिए समीकरण वन में, समीकरण वन में मैंने लिखा है रो एल बाई ए बराबर चार, यहाँ से निकल गया था रो एल बाई ए बराबर चार, तो यहाँ है 1/4 इंटू रो एल बाई ए, यानी रो एल बाई ए की वैल्यू पुट कर दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं, रो एल बाई ए की वैल्यू पुट करनी कितना है चार, तो 1/4 गुणे चार, 1/4 गुणे चार बराबर आर न्यू, आर न्यू की वैल्यू 1 ओम आ गई, सिंपल आप समझ चुके होंगे, बस स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसको, फिर समझने का प्रयास कीजिए। आई होप आपने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, मैंने हट गया हूँ यहाँ से कमरे की, तो मैंने कुछ नहीं किया है, बस जो जो क्वेश्चन बोलता गया उसको करता गया, पहले कहा क्वेश्चन ने कि यल बटा ये है, मतलब लंबाई यल है क्षेत्रफल ये है, तो मैंने सिंपली लिख दिया रो यल बाई ये बराबर चार, क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखी है, आगे फिर यही इसकी वैल्यू पूछी गई यानी आर की वैल्यू पूछी गई, तो मैंने क्या कर दिया रो यल बाई टू टू ए, क्योंकि लंबाई एल बाई टू थी और जो क्षेत्रफल था वो टू ए था, तो मैंने वही सिंपली कर दिया, और यहाँ पे जो फाइनली सॉल्व करोगे तो 1/4 इंटू रो एल बाई ए आएगा, नए जो आर की वैल्यू आएगी वो आएगा 1/4 इंटू रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए का वैल्यू आपको यहाँ ऑलरेडी पता है वो चार है, तो चार है तो इसलिए 1/4 × 4 बराबर 1 ओम आ जाएगा। तो ये सिंपल चीजें थी, इसको जानना आपको बेहद जरूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन